नमस्कार, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज अब टी गार्डन में पहुंच गई हूँ। तो टी गार्डन को आज मैं आप एक्सप्लोर कराएंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोग मेरा वीडियो पे बने रहिए, अंदर में कैसे कैसे होता है, क्या होता है, उसको बताएंगे आप लोग को बाद में वीडियो पे, बने रहिए। दोस्तों, चाय बागान टी गार्डन कुछ इस तरह है। हर घर में यूज़ करते हैं तो इस तरह बनते हैं चाय। मिनिमम पीपल मालूम नहीं है कि चाय कहाँ से और कैसे बनती है। तो आइए देखिए इस तरह उगाते हैं और ग्रो करते हैं किसान, और इसे फसल करके हार्वेस्ट करके फैक्ट्री में ले जाते हैं। और आप लोग वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। और लेबर कुछ ऐसे मिलने से भी उसी से भी बात करेंगे कैसा होते हैं और किस तरह होते हैं, तो उसी से भी पूछ लेंगे। टाइम करने वाला आदमी मिला है तो यहाँ से थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे। आप लोग कितना सुबह शाम कितना टाइम को दिन को कैसे काम करते हैं? सुबह 7 बजे निकलता है घर से, जल्दी की निकलता है। यहाँ में 7 बजे पहुँचेगा, तब 11 बजे खाना खाने के बाद फिर 12 बजे निकलेगा। आप लोग को दिन को कैसे पैसा देता है? दिन में मिलता है ना या मन में मिलता है? 15 दिन में मिलता है। कितना मिलता है? 15 दिन में 200 दिन का हाजिरा। एक दिन का हाजिरा 200 15 दिन में। 15 दिन तू पूरा नहीं करेगा फिर चांदे का दिन तू नहीं होगा ना काम। हाँ, बोला है कि एक दिन में नहीं देता है पैसा को, जमा करके 15 दिन में एक साथ पैसा को देता है। इन लोगों का पैसा 15 दिन में मिलता है ऐसे बताया जा रहा है। और आप लोग क्या गर्मी नहीं है आंटी? गर्मी गरम नहीं है धूप में है? अच्छा, कलम काट के बाद में नया पुली उला निकाला है, तब इसको हम तोड़ा है। इसको आप लोग ऐसा तोड़ के कहाँ पे रखता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में ना? अच्छा, तो दिन में आप लोग कितना किलो निकालता है, कितना केजी मतलब निकाल सकता है अकेला आदमी? ऐसा तो हम बोलने को नहीं सकेगा कितना किलो निकालेगा, सब जमा करके वहाँ में देगा तो इसीलिए हम बोलना नहीं सके, सब को जमा करके फैक्ट्री में जुड़ेगा। केरी कहाँ है आपका? इसको डालने का केरी कहाँ है? इसका नाम नहीं, ये पट्टा को ना कहाँ पे डाल के आप लोग फैक्ट्री में ले जाते हैं? झोला में। ये रहा झोला, ये देखिए यहाँ में भर्ती करके वो लोग ले जाता है। यहाँ में दिन को कितना बार भर्ती कर सकता है आप लोग अकेला आदमी? दिन में 2 घंटा में झोला भर्ती होगा पूरा तोड़ने से, टाइम लगे। बड़ा वाला तोड़ने तो 2 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटा में पूरा फूल होगा। थैंक यू आंटी बताने के लिए। तो बाय बाय, आप लोग भी बाद में वीडियो को देखिएगा। हाँ, होगा आंटी, आप बता सकते हैं ये कितना बड़ा है चाय बागान, उसको बता सकते हैं? दोस्तों, मुझे पता नहीं है ये चाय बागान किसके है, और सिर्फ मैं बताना चाहती हूँ चाय किस तरह बनती है और कैसे, और मैं आप लोगों को फैक्ट्री की तरफ ले जाती हूँ। और दोस्तों, यहाँ का आदमी बताया है अभी सीजन नहीं है चाय का फसल करने का, हार्वेस्ट करने का सीजन नहीं है, तो लेबर भी अभी नहीं है, ज़्यादा आदमी भी नहीं है ऐसे बताया है। पूरा फैक्ट्री उधर पे है, थोड़ा आगे लेके जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। उस तरफ मेडिकल है, मेडिकल सब कुछ फैसिलिटीज बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा वाला था, अंदर जाके हम लोग मैनेजर को अगर मिलने से उसे पूछेंगे।
यहाँ का डॉक्यूमेंट्री यहाँ के बारे में थोड़ा कुछ सवाल करेंगे, हम लोग वीडियो भी बने रहे दोस्तों। ये पिक्टरी है यहाँ का, चाय पिक्टरी है ये, देखिए कुछ इस तरह है। हाँ देखिए ऐसे बनाता है, ऐसे बनता है चाय, ऐसा बन के पीने लायक तक बनता है। ये देखिए ये पिक्टरी का अंदर में है, इस तरह यहाँ पे खाली है, यहाँ पे नहीं है। तो आइए देखिए इस तरह चुगाते हैं चाय को। तो ये सब यहाँ का स्टफ है, तो चाय का मशीनरी फैक्ट्री का अंदर में मशीनरी ऐसे रखते हैं, यहाँ से बनता है। दीदी थोड़ा इसका बारे में बताइए, ये यहाँ पे बनता है? यहाँ पे बनता है। ओ किसे क्या उसको क्या बोलेगा, ये रोलिंग टेबल आपका? हाँ यहाँ से ऑर्थोडॉक्स भी आपका बनता है, सीसीटीवी भी बनता है। हाँ यहाँ में आंटी कितना क्वांटिटी बनता है आप लोग का चाय से, आपको मालूम है, आइडिया है? बारे में बताएगा आपका ना। तो उसी से पूछ लेंगे हम लोग अंदर। और अंदर जाएंगे इस तरह देखिए, अरे इतना बड़ा हो रहा है। तो चाय इसी से बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। आप लोग देखिए पिक्टरी का अंदर में है अभी हम। तो ये देखिए यहाँ पे चाय का क्वालिटी रखता है वो लोग बना के। अच्छा ये चाय पत्ती को कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है आपको मालूम है? ये गुवाहाटी ले जाता है। ओ गुवाहाटी ना। तो दोस्तों देखिए इस तरह नया चाय पत्ती बनता है, हम लोग जैसे घर में पीता है इस वो सब यहाँ से बनता है, इस तरह बनता है। ये क्या क्वालिटी है मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है। तो ये मोरी एक तो यहाँ में है, इस तब मोरी यहाँ से हम लोग पूछ लेंगे। तो मोरी सर आप बताइए चाय का क्वालिटी क्वान्टिटी यहाँ में कितना बनता है, आप क्या बता सकते हैं? इसको तीन क्वालिटी में बोलता है, पीजीओपी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एंड बीओपी जीबीओपी ऐसा बनता है। तो ये चाय को आप लोग कहाँ में एक्सपोर्ट करता है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में ना। तो ये क्वालिटी क्वांटिटी चाय उसका बारे में थोड़ा ये बताएंगे, ये सबसे अच्छा वाला ये पीजीओपी पीजीएफओपी चाय है, ये सबसे बड़ा क्वालिटी अच्छा है। तो इसका दाम किलो में कितना पड़ता है? क्या बोला था वो पीजीएफओपी है, उसका किलो पर किलो का दाम है 500, कभी कभी 400 ऐसे हो जाता है। तो आंटी यहाँ का स्क्वायर किलोमीटर कितना होगा उसको बता सकते हैं आप? हाँ एरिया तो कितना कितना लेबर रखते हैं आप लोग यहाँ पे उसको थोड़ा बताइए, लेबर लेबर कितना रखता है आप लोग? ऑल गार्डन का ऑल गार्डन में
800-900 ऐसे ज्यादा लगता है, जो अभी आदमी नहीं है बल्कि इतने हाँ 1000 से ज्यादा है होते हैं लेबर जो सीजन में। हाँ सीजन में कभी कभी 800-900 भी रखता है उनका, उसके ऊपर में भी रखता है अगर लेबर मिला है बोलने से, उसका ऊपर 1-2000 ऐसे कुछ लेबर भी रखते हैं यहाँ चाय को टिपने के लिए। तो इस तरह है, यहाँ का स्टाफ कितना है आप लोग, कितना रखता है यहाँ का स्टाफ फैक्ट्री में? फाइव स्टाफ है। तो ये यहाँ का मोरी है। अच्छा लग रहा है ना, ये है चाय नया नया निकाला हुआ है ये देखिए। तो ये दीदी लोग इस तरह चाय को बनाते हैं देखिए, इस तरह बना के देखिए। हाँ ऐसा करके बड़ा वाला को ऊपर बिखरता है, नीचे वाला को नीचे बिखरता है। तो ये सबसे अच्छा क्वालिटी है, ये थर्ड क्वालिटी का है, ग्रेड 3 जीबीओपी। तो आंटी अंकल आप लोग यहाँ में काम करके अच्छा लगता है? अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनिक थी को रखता है ऐसे बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं अंदर में। दोस्तों मैं आप लोगों को चाय टी कैसे बनता है और कैसे उगाता है, कैसे ग्रो करता है और कैसे बनाता है वो सबको दिखाया, फैक्ट्री को भी दिखाया। तो मैं अभी फिलहाल घर जा रहा है, घर की तरफ निकल रहा है। तो आप लोग मेरा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए।